वो पूछना ये था दोस्तों, जिसने घड़ी बनाई थी उसने टाइम कहाँ देखा था। दोस्तों आज की वीडियो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर माधवी झा के बारे में है। इस वीडियो में हम जानेंगे माधवी के होम टाउन, फैमिली और सोशल मीडिया सफ़र के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ड्यूट वीडियो से अपनी पहचान बनाने वाली माधवी बिहार के भागलपुर शहर से बिलोंग करती हैं। बात करें इनकी फैमिली की तो इनकी फैमिली में सिर्फ 3 मेंबर हैं, माधवी, इनके हस्बैंड और एक क्यूट सी बेटी। माधवी ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने की शुरुआत जुलाई 2020 से की। अपनी मेहनत और क्यूट एक्सप्रेशन से इन्होंने अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाई। लोग माधवी के वीडियो को काफ़ी पसंद कर रहे थे और इन्हें फॉलो भी करते जा रहे थे। माधवी अपनी बढ़ती फैन फॉलोइंग को देखकर काफ़ी खुश थी, लेकिन अप्रैल 2023 में इनकी आईडी हैक हो गई। जब माधवी सुबह सोकर उठी तो देखा कि इनके मोबाइल में इनकी आईडी लॉगिन नहीं हो रही थी। काफ़ी कोशिश करने के बाद इनको समझ में आ गया कि इनकी आईडी हैक हो चुकी है। माधवी को इस बात से इतना बुरा लगा कि वो रोने लगी। रोते हुए उन्हें सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था कि उनकी मेहनत और उनके फॉलोअर्स सब एक ही झटके में छिन गए। माधवी ने दूसरी आईडी बनाई झा माधवी 26 ऑफिशियल के नेम से, जिस पर उन्होंने अपना पहला वीडियो अपलोड किया और रोते हुए अपनी पहली आईडी हैक होने की जानकारी दी। जिसने भी माधवी की आईडी हैक की थी उसने इनके सारे वीडियो डिलीट कर दिए। माधवी के हस्बैंड आईडी रिकवर करने की लगातार कोशिश कर रहे थे और कुछ दिनों बाद वो कामयाब भी हो गए। माधवी के पुराने वीडियो तो डिलीट हो गए लेकिन इनके फॉलोअर्स इन्हें वापस मिल गए। अगर आप भी इन्हें फॉलो करना चाहते हैं तो इनकी इंस्टाग्राम आईडी झा माधवी 5528 के नाम से है, जिस पर लगभग 1.5 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट होने वाले हैं। इसके अलावा ये यूट्यूब पर भी एक्टिव रहती हैं। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ जानकारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर माधवी झा के बारे में। आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।